हेलो नमस्कार। मैं आपको सभी को असल दर्शकों को मैं आज प्रणाम करता हूँ। आज मैं YouTube लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने एक महीने में मतलब मैंने कोशिश किया है कि कुछ नया राग बजाऊँ, जो कि बेसिकली कर्नाटक कर्नाटक संगीत में वो बजाया जाता है, जिसका नाम शिमेंद्र मध्यम, ये राग का नाम है। और मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि वो राग बजाऊँ और आप सबको अच्छा लगे, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और हो सकता है कि YouTube लाइव में मुझे पता नहीं कि कमेंट्स अभी मैं देख सकता हूँ। संपदा जी हेलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे आवाज़ आ रही है? कोई मुझे बताएगा मेरी आवाज़ आ रही है, जो भी लाइव है अभी मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, मेरी आवाज़ आ रही है? तानपुरा आवाज़ आ रही है? तानपुरा, और मैं आपको देख रहा हूँ ठीक से? ओके ओके। जैसे कि मैं तबला स्टार्ट करूंगा, वैसे भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तबला की आवाज़ कैसे आ रहा है, तो मैं कुछ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आज मैं राग शिमेंद्र मध्यम, जो कि बेसिकली कर्नाटकी संगीत में से लिया गया राग है, और इसका जो बंदिश है ये मैंने तीन ताल में मैंने कंपोज किया हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, छोटी सी कोशिश है, ये राग आपके सामने अच्छा से अच्छे तरह में आपके सामने पेश करूँ। मैं शुरू करता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 20-25 मिनट बजाने वाला हूँ। ये वैसे संपूर्ण जाति का राग है, और इसका इसका ये राग का जो टाइम समय टाइम लिमिट कुछ है ही नहीं है, तो आप कौन से भी टाइम में बजा सकते हो इसको। Thank you.
ये मधुबन की जैसे ही राग है। थैंक यू सो मच। बस ये संपूर्ण राग है, मधुवंती की स्वर है। इसमें कोमल भैरव का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत किया था शिवेंद्र मध्यम इस राग का, तो मुझे थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आ रहा था सुनने में भी और बजाने में भी। बट जैसे जैसे मैं इसको प्रैक्टिस करते गया, जैसे जैसे बजाते गया, और वैसे इस राग का जो ब्यूटीनेस है वो मुझे पता चलने लगा कि इसमें क्या है और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही कौन से भी राग अगर हमने सुनते या फिर बजाते या फिर गाते हैं तब तक हमको पता नहीं चलता तो हम और राग के बारे में क्या हम सोच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बजाते हैं उसको, कई बार बजाते हैं, बजाना चाहिए, तभी हमको राग के बारे में पता चल गया कि ये राग कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें कैसे विचार लेके आ सकते हैं। Thank you.
Thank you.
सुनो मैं। Thank you.
थैंक यू फ्रेंड्स। सॉरी, अभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन मैं सॉरी कुछ कुछ कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। केतकी थोरात, थैंक यू केतकी। अर्जुन लोंडे, थैंक यू सो मच। संपदा हैरो, संपदा थैंक यू। और आपको कैसे लगा मुझे बताइए, ताकि मैं इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया राग है शिवेंद्र मध्यम। तो मैंने बस आज कोशिश किया है बंदिश कंपोज करने की। हाँ तो फ्रेंड्स, आप मुझे प्लीज़ बताइए, अब हम बात भी कर सकते हैं अगर मस्त। मतलब थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। कोहली बालाजी, हेलो, थैंक यू बालाजी जी, थैंक यू सो मच। संपदा जी, ग्रेट हार्मोन, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू संपदा, हेलो, थैंक यू अर्जुन लोंडे, थैंक यू, थैंक यू अनिल जी, अनिल थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत खूब, थैंक यू केपी आर, क्या थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। हेलो वैभव जी, थैंक यू। मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का, आपने इतना टाइम निकाल के मेरा सुना। विनायक जी, हेलो विनायक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विनायक गुरु, थैंक यू। और काफ़ी कमेंट्स आए हैं, लेकिन मैं आराम से पढ़ूँगा। संपदा, थैंक यू सो मच संपदा जी, एक्सेलेंट सर जी, थैंक यू सो मच, रियल जरूर, थैंक यू सो मच। बस ये अप्पा जी का ही आशीर्वाद है, और क्या कह सकते हैं, गुरु जी का अगर आशीर्वाद नहीं रहा तो सब जीरो समझता हूँ मैं क्योंकि गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है सबके लिए, जो भी म्यूजिक सीखते हैं तो सभी के लिए बहुत आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। सबकी दुआ, जो हम बोलते हैं कि दुआ ही काम आती है लास्ट तक। लेकिन आजकल ऐसे भी सीखते हैं कुछ बच्चे कि बस कोर्स, जो शॉर्ट कोर्स होता है, 3 महीने में, 6 महीने में हमको ये आना चाहिए, 1 साल में हमको वो आना चाहिए, तो ऐसे भी है काफ़ी सारे। और 1 साल 2 साल सीखे और बाद में कुछ गायब हो जाते हैं, तो ऐसे संगीत नहीं आता है। गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है, उनका प्यार हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल हमारा सौभाग्य समझता हूँ कि हमको हमारे गुरु मिले, पंडित अप्पा साहेब जोगावकर जी, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का प्यार है आज जो भी हाथों से निकल रहा है, तो बस उन्हीं का आशीर्वाद मैं समझता हूँ। और म्यूज़िक तो बहुत बड़ा अथांग सागर है उसको मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, है ना, तो यस बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि हेलो पूजा जी, आप थैंक यू सो मच, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके आप मुझे अगर यूट्यूब लाइव ज्वाइन हो सकते हैं तो आप प्लीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। आई एम लकी दैट, थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू, बिल्कुल सही है, क्योंकि अप्पा जी का जो स्टाइल है वो बिल्कुल दिल को छूता है, और उनका जो स्टाइल था दिल को छूने वाला था, जिसको हम संगीत कहते हैं। संगीत एक, दोनों संगीत अलग अलग हैं, जैसे कि शब्द प्रधान और गायकी का प्रधान जो है हिंदुस्तानी संगीत जो है, तो मुझे जहाँ तक ये पता है कि दिल को जो संगीत छूता है बस वही वही संगीत है। और संगीत के काफ़ी सारे प्रकार हैं, लेकिन होता है ना कि हम यार मैं ये संगीत सुनता तो मुझे शांति मिलनी चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं खुश हो जाना चाहूँ, मतलब हर एक का अपना चॉइस है। संगीत हर टाइप का संगीत है, फोक संगीत है, जाज है, तो काफ़ी टाइप के अलग अलग सैनी क्लासिकल है, सैनी क्लासिकल है, तो अलग अलग संगीत है, और उसको आनंद मिलता है, हमको आनंद भी मिलता है संगीत संगीत। और बस बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को। आज मैं सेकेंड थर्ड टाइम में यूट्यूब लाइव आया हूँ, ज्वाइन हुआ हूँ, तो और किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
प्लीज। बेसिकली आपको ये राग कैसे लगा, सिमेंद्र मध्यम? ये बेसिकली कर्नाटक की राग है, ये हिंदुस्तानी राग नहीं है। और कर्नाटक के राग तो काफ़ी सारे हैं, और बहुत एक मेरा दोस्त है जिनका नाम शिवानंद जी स्वामी है, तो हमारे ऐसे डिस्कस चल रहा था तो उन्होंने ये राग मुझे बताया था कि संतोष ये राग करो और देखो कैसा लगता है। तो मुझे शुरू में तो ठीक नहीं लगा, मतलब अरे यार क्या ये, क्या सोच नहीं कुछ, मतलब इसके बारे में क्या सोचूं, मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे 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 मैं प्रैक्टिस करते गया, जैसे जैसे बजाते गया, तो मुझे समझ में आने लगा कि और क्या है इसमें, और वो समझने लगा। जैसे कि हम बोलते ना कि एक समंदर में काफ़ी सारी चीज़ें निकलती, जब जब हम गोता मारते हैं, जब हम डुबकी लगाते हैं, तो वैसे ही हर एक सुर का, हर एक राग का ऐसे ही होता है कि जी बिल्कुल मधुवंती जवळ जातो, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मधुवंतीच्या जवळ जातो हा राग, मधुवंतीच्या जवळ जातो, फक्त याच्यामध्ये धैवत कोमल आहे, बाकी सगळे स्वर मधुवंतीचे, आणि हा सरळ राग आहे। ये जो राग आहे वो सरळ आहे, मतलब वक्र नहीं है, कुछ नहीं, सीधा जाना है और सीधा आना है। तो और इसका टाइम लिमिट भी कुछ नहीं कि आप कौन से टाइम में भी आप इसको गा सकते हैं, बजा सकते हैं, इसको कुछ ऐसा नहीं कि दोपहर को गाना है या फिर बजाना है, मॉर्निंग को गाना है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लिमिट कुछ नहीं है। और जहाँ तक कि मैं मतलब काफ़ी सारे राग ऐसे है कि कभी कभी ऐसे लगता ना कि अरे ये मॉर्निंग का राग कैसे दिया है, मतलब अगर वैसे कहा जाए तो ये तो इवनिंग का राग होना चाहिए या फिर ये दोपहर का राग होना चाहिए। कई राग ऐसे है कि ऐसे लगता है कि अरे हाँ ये शाम का राग है ना, तो ये मॉर्निंग का होना चाहिए। मतलब ऐसे भी हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कुछ राग है कि जिनका टाइम थोड़ा ये लगता है। जितेंद्र जी, हेलो जितेंद्र जी सर, आई एम लिसनिंग राग फर्स्ट रियली, थैंक यू सो मच, थैंक यू मतलब मधुमंदिर, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस अर्जुन इसका कुछ टाइम लिमिट है ही नहीं है। व्हेन आर यू कमिंग टू लातूर? यस बिल्कुल बालाजी जी, मैं लातूर जरूर आना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये सब पैंडमिक समय है, सबके लिए बहुत खतरनाक टाइम है, तो जल्दी हम प्रे करेंगे भगवान को कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ ठीक करें और सब लोग फिर से एक बार खुले आसमान में उड़ जाए और उड़ने लगे। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम ट्रैवल करें, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ट्रैवल ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रैवल बंद है तो सब कुछ बंद है, ऐसा एक आर्टिस्ट क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं हो गया तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना कि प्रोग्राम मिलना, प्रोग्राम करना, ट्रैवल करना। यस बिल्कुल ओके फ्रेंड्स, तो आप मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि ये राग आपके ग्रुप में, और संपदा चौधरी राग कैसा है इससे ज़्यादा उनकी पहचान करवाना आर्टिस्ट की खासियत होती है, और आपने यह राग बहुत खूबी से पेश किया है। बढ़िया संपदा चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट्स बहुत अच्छा लगा मुझे। जी बिल्कुल, तो हाँ मैं ये कह रहा था, मैं आपको सबको गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये राग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स लोगों आपके ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स लाइक, और मेरा जो चैनल है संतोष घंटे नाम से, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब आप कीजिए, और आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ कुछ अलग अलग नए नए राग में कर्नाटकी राग हिंदुस्तानी स्टाइल से मैं पेश करने का मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा, मैं ट्राई करूँगा। तो जैसे जो भी म्यूजिक लवर है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं 47 मिनट तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और गणपति बप्पा मोरिया।
और ये शुभ मोहन।